शहरी दीफा के भाइयों, यूनिवर्सिटी के ऑफिसर्स, फैकल्टी मेंबर्स, अजीज स्टूडेंट्स और मीडिया पर्सन, अस्सलाम वालेकुम। मेरे ख्याल में मुझे ज्यादा जज्बात में नहीं जाना चाहिए आप लोगों के जज्बे को देखकर, और ज्यादा जज्बात से चीजें कभी बनती नहीं है, बिगड़ जाती है। लेकिन मैं टीवी बहुत कम देखता हूं, इन दिनों में मुझे टाइम मिला और कल इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी और नेवी के ऑफिसर्स, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उसको मैंने देख लिया। उसको उसमें उनसे पूछा गया कि क्या आप लोगों ने पाकिस्तान में अपने टारगेट को हिट किया, तो उन्होंने कहा हमने अपने टारगेट को हिट किया। इधर हमें पता है आप सारे लोग अहमदाबाद, मानसहरा, बालाकोट सारे अस्पताल में कोई जख्मी नहीं है। 350 लोग अगर मरते हैं तो 1000 तो जख्मी होंगे ना। लेकिन उसके बाद मैंने उसके इस आंसर पर कि हमने टारगेट को हिट किया, इस पर सोचा तो आई रीड टू द कंक्लूजन कि उनका टारगेट इट वॉज डाइवर्ट, कि दुनिया का जो सारा फोकस था टूवर्ड्स द कश्मीर, उस को डाइवर्ट करना था टूवर्ड्स अनदर इशू, एंड दैट इशू वाज, उन्होंने एक कहानी डाल दी पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान। अब बजाय इसके कि लोग कश्मीर के मजलूमों की बात करें, हम अपने फौज की, देखिए हमारी फौज ने जिस तरह का उनके साथ किया, इट वॉज अमेजिंग। मतलब अगर आप लोगों को याद हो, 1998 में उन्होंने धमाके किए और धमाकों के बाद वो कहने लगे कि हम पाकिस्तान को अब जाके देखेंगे। तो जब पाकिस्तान के धमाके हो गए, वो हैरान हो गए, सारी दुनिया हैरान हो गई। आज वो सूरत हाल फिर शुरू पैदा हो गया कि विद इन फ्यू डेज पाकिस्तान आर्मी प्रूव्ड इट्स सुपीरियरिटी। पाकिस्तान के एयरफोर्स ने अपनी सुपीरियरिटी साबित कर दी। लेकिन इसके साथ साथ मैं एक बात बता दूं, जो मैं, इट्स माय बिलीफ कि उनका टारगेट ये था कि दुनिया का, बैनुल अक्वामी दुनिया का सबकी तवज्जो जो है डाइवर्ट करे कश्मीर के मामले से, और इसको डाइवर्ट कर दे टूवर्ड्स अ वॉर बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया। इसमें किसी हद तक वो सक्सेसफुल हुए। तो हमें, मेरे ख्याल में, अमन जिस तरह हमारे वजीर आजम साहब ने, जिस तरह हमारे मुल्क के जितने भी पॉलिसी मेकर्स हैं, उन्होंने सिचुएशन को समझते हुए उन्होंने अमन की बात की है, और अमन की बात इसलिए की है कि हमारा फोकस क्या है कि हमारे वेस्टर्न बॉर्डर पर हमारे बहन भाई अफगानिस्तान में, हमारे ईस्टर्न बॉर्डर पर हमारे भाई बहन कश्मीर में, इनको देखते हुए देखे कि हम कितनी भी खुश हो, हम खुश नहीं रह सकते। तो इसलिए जो है आज की ये एक्टिविटी, मैं डायरेक्टरेट ऑफ सोसाइटीज का, शहरी दीपा का, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का, और खास तौर पर आप स्टूडेंट्स का बहुत मशहूर हूँ कि आप लोगों ने आज पाकिस्तान आर्मी के साथ सॉलिडेरिटी शो की, और आप लोगों ने आज साबित कर दिया कि वी स्टैंड बाय पाकिस्तान आर्मी इन एनी सिचुएशन।